Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new video, with the new topic. My today's video is about speaking task 1. In fact, we have total 4 modules and the most interesting and the most critical important one is speaking task 1. Basically, जो स्पीकिंग टास्क 1 है इसमें ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स होते हैं। 3 टॉपिक्स पे आपके साथ एक एग्जामिनर जो है वो बात करता है। 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप एग्जामिनर के सामने बैठेंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट लूज हार्ट, बी क्रेजियस। अगर तो आप कंफ्यूज हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू से एनीथिंग, तो फिर क्या होगा कि आपके जहन में जितने भी आइडियाज आएंगे, जितने भी आइडियाज पॉपिंग इन टू योर माइंड, यू कैन नॉट प्रेजेंट दोज आइडियाज इन अ फुली वेल फॉर्म्ड और इन अ कंप्लीट फॉर्म बिफोर द एग्जामिनर। तो आपको करना क्या है कि आप रिलैक्स हो, आप बी क्रेजियस, आप बहादुर बनेंगे वहां पे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस मामले में अपने घर, तो उतना ही ज्यादा आपके पास ज्यादा मटेरियल होगा, मवाद होगा, ताकि आप उस टॉपिक जो आपने ऑलरेडी जिन पे प्रैक्टिस की होगी वही आपके सामने हो और आप थोड़ा सा भी जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज ना करें। सो व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन प्रेजेंट एवरीथिंग इन एन एक्यूरेट वे, क्योंकि आपने पहले से ही प्रैक्टिस की होती है। तो आप जब वहाँ पे जाएं तो इंतहाई बिल्कुल आराम सुकून के साथ बैठेंगे। तो पहली बात तो ये है कि द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन रिवॉल्व्स अराउंड इंट्रोडक्शन। दिस इज द वार्मिंग अप सेशन, कि आपको एग्जामिनर जो है वो वार्म अप कर रहा होता है, आपको वो पेसिफाई कर रहा होता है, आप इंतहाई अच्छे माहौल में आपके साथ वो डिस्कस कर रहा होता है। जब वो आपसे पूछता है कि आप अपना पूरा नाम बताएं, ओके जी, व्हाट इज योर फुल नेम, okay, the very first question, this question is not assessed. ये question जो है वो आपकी जो assessment है, जो आपके banks हैं उनके लिए assess नहीं होते। तो लिहाजा ये आपको सिर्फ और सिर्फ pacify करने के लिए, आपको थोड़ा सा आपका confidence develop करने के लिए तो ये question आपसे पूछे जाते हैं। तो जब definitely वो आपसे पूछेगा कि what is your full name, तो आप अपना full name बताएं, तो वो यही कहेगा कि आपको मैं कौन से नाम से पुकारूं, what shall I call you, तो आप अपना नाम बताएं कि you can call me David, you can call me William, you can call me Maria। तो आप इस नाम जो है इससे कह सकते हैं कि आप मुझे इससे पुकार सकते हैं। तो then he would ask you show me your identity। Identity से मुराद भी वही होगी कि आपका ID कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, आपका पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। जब आपका सारा कॉन्फिडेंस आप बहाल हो गया है, आप बिल्कुल विलिंग हैं, तो पहला जो आपसे वो क्वेश्चन जो पूछता है वो टॉपिक 3 का होता है। उसमें आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है और आपकी लाइफ के बारे में पूछता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई 3 से 4 क्वेश्चंस के बारे में पूछता है। ये सारे का सारा सेशन जो है वो 4 to 4.5 मिनट्स का होता है, 4 to 4.5 मिनट्स का होता है। ऑलमोस्ट 11 to 12 क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक जो हमारा स्पीकिंग टास्क 1 होता है। तीनों टॉपिक्स पे पहली बात तो जो ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें याद रखनी चाहिए कि हमने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ प्रेजेंटेबल वे, इन एन एक्यूरेट वे, द डेफिनेटली व्हाट वुड हैपन इन रिटर्न, यू कैन गेट गुड बैंक्स। सो चलते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो हम जब बोलते हैं तो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी से मुराद ये है कि आपकी स्पीड नहीं है कि आप फर 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 बोलें, बल्कि एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। आप रवानगी के साथ बोल रहे हों, जब आप फंस के बोलेंगे, थोड़ा सा अननेचुरल पॉजेस आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसका सबसे अहम हल यही होता है कि आप कोई सा भी टॉपिक ले लें,
घर में उसकी आप आउटलाइंस बना लें, उन आउटलाइंस पे आप बोलना शुरू कर दें, तो ये एक महीना तक इस तरह का जो प्रोसेस है वो करने से काफ़ी हद तक फ्लुएंसी जो है वो बेहतर हो सकती है। फिर आप देखें, एक तो फ्लुएंसी है, दूसरी कोहेरेंस है। कोहेरेंस होती क्या है? कोहेरेंस ये होती है कि आपके आइडियाज कितने वेल कनेक्टेड हैं, फुली फॉर्म्ड हैं। आप कहीं पे कोई फ्रेजेस या जो सेंटेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट तो नहीं कह रहे? अगर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आ जाएं या फ्रेजेस आ जाएं तो उनका तासर भी एग्जामिनर के हाँ ठीक नहीं जाता। तो आपके जो कोहेरेंस आइडियाज हैं वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए। आपने ज़्यादातर जोर जो है वो कॉन्टेंट वर्ड्स पे देना है, ना कि आपने फंक्शनल वर्ड्स पे देना है। फंक्शनल वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ व्हाट दे डू, दे जस्ट सीमेंट द टेक्स्ट, ओके। बट द कॉन्टेंट वर्ड्स यू कैन सी, दीज आर द कॉन्टेंट वर्ड्स, दे मीन टू कन्वे यू अ लॉट ऑफ मीनिंग। यू गिव यू अ मीनिंग्स इन अ ब्रॉड वे, इन अ ब्रॉड सेंस। तो ये कॉन्टेंट वर्ड्स की जगह ये जो आइडियाज हैं, जब आपके आइडियाज वेल कनेक्टेड होंगे, आइडियाज आपके बेस्ड ऑन रैशनल होंगे, तो आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अच्छे से अच्छा बैंड स्कोर करें। फिर आ जाता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आप अच्छी किस्म के वोकैबुलरी यूज करें। सपोज there is a hill in your city, so instead of saying there is a hill in my city, it is high, okay, people visit there, तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा adjective को use करेंगे तो ये meaning भी ज़्यादा देते हैं और vocabulary को खूबसूरत भी बनाते हैं। Suppose there is a magical and enchanting hill, the beholders visit the hill, they are curious in seeing the location and the things available. Even one lake is there where people they sail in boat, sail in fast flowing boat. So अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा adjectives use करेंगे तो आपकी जो speaking है उसमें चार चांद लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपकी क्या नाम है उसका, speaking हो या writing हो, writing में भी अहम किरदार अदा करते हैं adjectives, तो ज़्यादा से ज़्यादा use जो है वो adjectives का करें। तो lexical resources dictionary होती है, आपके meanings होते हैं, that have you gone through the thesaurus, have you learned a lot of words, you have plethora of words, क्या आपके पास इतनी वोकैबुलरी है कि आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपके पास जो लेक्सिकल चॉइसेस हैं, आपकी वर्डिंग है, आपके पास जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने हैं। ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो आप अच्छी तरह से चेंज ऑल्टरनेट करके बोल सकते हैं, एक वर्ड पॉपुलर है फेम बोल सकते हैं, नोटेबल बोल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करके जब बोलेंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली ये सोचेगा कि इसके पास वोकैबुलरी भी है और ये फ्लुएंसी में भी बोल रहा है और इसके आइडियाज़ जो हैं वो भी एक फुली वेल फॉर्म्ड में है, इनकम्प्लीट नहीं है। तीसरा ग्रामर है। ग्रामर इंतहाई ज़रूरी है। ग्रामर ही ऐसी चीज़ है जो बताती है कि हमने पहले क्या यूज़ करना है, फिर वर्ब है, या फिर हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कन्वेइंग सेंस है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये हमें चीज़ देखनी है ग्रामर। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसका स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर आपका वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस होंगे जो आपको बोलना होंगे, ठीक है जी। आपने कहाँ एडवर्ब यूज़ करना है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है, ये बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं। फिर ज़्यादातर बैंड स्कोर वो बच्चे करते हैं, वो स्टूडेंट्स करते हैं जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स, दिस इज़ अ टूल। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ that compound and complex sentences can add a lot of bands or lot of good performance in your speaking, agar aap compound aur complex sentences pe kaam karna shuru kar de। Next up pronunciation jo hai wo badi count karti hai। Jaise insaan acche kapde pehenta hai to wo acha lagta hai, isi tarah jab insaan bolta hai khab koi bhi zuban ho to he looks presentable। To jab aapki
स्पीकिंग जो है वो अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, अल्फाज की अदायगी बेहतर होगी। हाँ, आप यूके में बात कर रहे हैं, यूएस प्रोनंसिएशन में बात कर रहे हैं, दोनों में जिसमें भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोनंसिएशन जो है वो फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। फॉल्टी प्रोनंसिएशन में रिजल्ट वाट ऑफकोर्स आपके बैंड्स में डिक्लाइन आ सकता है, कम हो सकते हैं। तो ये प्रोनंसिएशन का अपना खास ख्याल रखें। अब लास्ट में कॉन्टेंट वर्ड्स, कॉन्टेंट वर्ड्स क्या हैं? कॉन्टेंट वर्ड्स ये होते हैं, जैसे आप नाउन यूज़ करते हैं, आप एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मकसद ही आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होता है कि आप आया पे इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। हाँ जी, जितने आपके कॉन्टेंट वर्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और जितने आप फंक्शनल वर्ड्स जो हैं, फंक्शनल वर्ड्स वो तो टेक्स्ट को सीमेंट करते हैं, जैसे कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेज में आते हैं, जैसे आपके कंजंक्शंस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गई, ये जो है ये आपके हैं, सॉरी ये आपके हैं जी कंजंक्शंस हैं, तो कंजंक्शंस जो हैं वो टेक्स्ट को सीमेंट करते हैं। इसके अलावा ये चार पांच चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, जिनको आपने ख्याल रखना है जिनका। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक्स में से पहला जो टॉपिक है, जो पहला ही क्वेश्चन होता है, जिसकी ऑलमोस्ट यू कैन से ही कैन आस्क यू डू यू वर्क और आर यू आर स्टूडेंट, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि डू यू वर्क और यू आर स्टूडेंट, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ब पे जाना है, इन विच टेंस, इन विच वर्ब द क्वेश्चन द ऑनर इज आस्क, सॉरी द एग्जामिनर इज आस्किंग, तो आपने उसी ही में ही जवाब देना है। आई वर्क एज अ टीचर और यू आर स्टूडेंट, यस आई एम द स्टूडेंट ऑफ बी एस ऑनर्स इन ब्यूटिफुल इन एन अट्रैक्टिव कॉलेज इन माई होम टाउन। तो आपने क्या करना है, तो आपने उसी जो आपका टेंस है उसी में ही आपने जवाब देना है। उसमें अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में पूछ लेता है, यस हैव यू एवर ट्राइड मोटर बाइक, यस आई हैव ड्रिवन मोटर बाइक, तो आपने एक तो ट्राइड है, ड्रिवन है, आपने वोकैबुलरी को भी चेंज करना है, सेम वही बात नहीं करनी जो वो कर रहा है। ठीक है जी, डू द पीपल ऑफ योर सिटी मेक फन, सो वट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर मेकिंग फन, सो वो ये भी पूछ सकता है आपसे। जो उसके फेवरेट है, इसके बाद जो आपके वन से तीन या चार क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन के बारे में होंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में होंगे, उसके बाद वो स्विच ऑन टू अनदर टॉपिक, वो टॉपिक आपका कंट्रीसाइड के बारे में हो सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो हाई अहम हैं, जैसे टीवी हो गया, और फोटोग्राफी, फ्रेंड, हॉबी, कंट्री साइड, मोबाइल फोन, होम टाउन, होम, ये जो इंतहाई अहम है, चॉकलेट, हॉबी, गार्डनिंग, ये इंतहाई अहम हैं, जो वो अक्सर ही जिनके बारे में वो सवाल एग्जामिनर जो आपसे सवाल पूछता है, तो जैसे वो क्लोथ्स के बारे में पूछ सकता है, हाउ ऑफन डू यू बाई क्लोथ्स, ओके, यानी आपने आप अक्सर कैसे कपड़े खरीदते हैं, डू यू विजिट शॉपिंग मॉल फॉर दिस पर्पज़, क्या आप इस पर्पज़ के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, आप डू यू लाइक स्टिच्ड और अनस्टिच्ड, आप इसके बारे में वो क्वेश्चन कर सकता है। हैव योर वेयरिंग हैबिट्स चेंज्ड सिंस रिसेंटली, तो क्या आपकी जो ड्रेसिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हुई हैं रिसेंटली, तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है। फिर आप स्विच जब वो तीन चार क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके बाद ही वे स्विच ऑन टू अनदर टॉपिक, ऑलमोस्ट थ्री टॉपिक्स ही डिस्कसेस, सो द नेक्स्ट टॉपिक माइट बी अबाउट कंट्री साइड, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रिगार्ड ऑफ स्पीकिंग टास्क वन। तो जो टास्क वन है, इसमें जब वो आपसे पूछेगा कंट्री साइड के बारे में, हैव यू एवर विजिटेड कंट्री साइड, ओके, व्हाट डू द पीपल ऑफ कंट्री साइड डू, हाउ, व्हाई डू यू लाइक द पीपल ऑफ कंट्री साइड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन इज ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री साइड,
सो वहाँ पे वो पूछ सकता है हाउ ऑफन डू यू विजिट कंट्री साइड, व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटीज कमोडिटीज डू यू लाइक इन कंट्री साइड. तो ये चीज़ें जो हैं वो आपसे तीन से चार क्वेश्चन पूछ सकता है. तीन टॉपिक्स आप आपका पहले जो है इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन हो सकता है, जैसे वो इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन हो सकता है. इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन हो सकती है आपकी. फिर आपकी वो आपसे कोई भी चीज कर सकता है, चॉकलेट पे कर सकता है, ठीक है जी, आप पे क्लोथ्स पे कर सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, कंट्री साइड पे बात कर सकता है. वो बहुत से ऐसे हैं, टीवी है, टीवी पे बात कर सकता है, फेवरेट प्रोग्राम पे बात कर सकता है, तो ये सारे टॉपिक्स पे बात कर सकता है. एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग के बाद आप इसको चेक करें, आया कि इसकी फ्लुएंसी, इसकी प्रोनंसिएशन और ग्रामर के जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो आपने यूज़ किए हैं कि नहीं किए, तो ये सारे का सारा आपको बता देगा. या फिर आपका कोई टीचर है तो आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप जब बोलें तो आपकी प्रोनंसिएशन क्वालिटी हो, आपकी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज में कहीं पर उसको कमी नज़र आ रही हो, फ्लुएंसी या कोहेरेंस में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो, ताकि वो इसको नहीं एड्रेस कर सके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नई वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.